तो कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि कहानी एक नया भयंकर रूप ले चुकी है। जब आप लोग देखेंगे कि इधर साफ साफ खुले शब्दों में बोलती हुई नजर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, आखिरकार प्राची ने बोल दिया है कि अभी भी रणबीर के पास में एक मौका और है। वो चाहता है कि अगर ये बच्ची हम दोनों के पास रहे तो इस चीज़ में अगर वो समझौता करने के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में एक बार फिर से ज़बरदस्त टूस्ट देखने को मिलने वाला है, जब आप लोग देख पाएंगे कि रिया इस समय और भी ज़्यादा अफसोस कर रही है कि प्राची अपनी को चाल ना चल दे। जी हाँ, क्योंकि रिया को हर सूरत में शादी करनी है रणबीर के साथ में और रिया के साथ में। आलिया ने ये प्लान बना लिया है। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग बेहद दर्दनाक स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए इस समय की बेहतरीन स्थिति की, तो सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि रिया और रणबीर के कभी भी विचार एक दूसरे से मैच नहीं खाए हैं। लेकिन दोस्तों इस समय आलिया ने प्रॉमिस किया है कि वो किसी भी तरीका से रणबीर और रिया की शादी करा के रहेगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक बार फिर से ज़बरदस्त ट्विस्ट लाती हुई नजर आने वाली है। वहीं बात की जाए पल्लवी, तो पल्लवी थोड़ा टेंशन में चल रही हैं कि ऐसा ना हो कि जिस खुशी के लिए रणबीर तड़प रहा है वो खुशी दूर हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर प्राची किसी भी तरीका से पहले शादी करके और कोर्ट में ये जाहिर कर देगी कि शादी कर ली, तो हमेशा हमेशा के लिए रणबीर से उसकी बेटी भी जुदा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों रणबीर अपनी बेटी के बगैर नहीं जी पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो कि ये कहीं ना कहीं सच्ची है लेकिन कड़वी भी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।